अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में जब हम फ्लटर यूज़ करते हैं या और प्रोजेक्ट, तो उसमें हम जो ग्रेडर प्रॉब्लम आते हैं उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, उसमें हम टाइप करेंगे कि ग्रेडर डिस्ट्रीब्यूटर। सो उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो है ये फर्स्ट वाला जो लिंक होगा तो उसको हम जो है प्रेस करेंगे। तो उसके बाद इसमें हम सर्च करेंगे 5.6.4। तो हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसमें सर्च करते हैं 5.6.4, इसको याद रखिएगा। ओके कि 5.6.4 तो ये मिल गया हमें, तो हम इसको प्रेस करते हैं तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लेगा ये, तो इट इज़ डाउनलोडिंग। सो हम वेट कर लेते थोड़ा, तो फाइनली ये जो है डाउनलोड हो चुका है। तो शो इन फोल्डर, और हम इसको जो है वो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और माय कंप्यूटर जो है उसमें चले जाते हैं। उसके बाद जो है हम सी ड्राइव जो है उसको ओपन करेंगे, उसमें जो है यूज़र्स को प्रेस करेंगे, उसमें एचपी ऑप्शन होगा। तो एचपी में जो है हम ग्रेडल में जाएंगे और उसके बाद जो है हम रैपर्स में जाएंगे, फिर ये वाली ऑप्शन प्रेस करेंगे, फिर ग्रेडल। तो इसमें एक सब और ऑप्शन है उसको प्रेस करेंगे डबल राइट। सो गाइस, यहाँ पर हम जो है हमने जो ग्रेडर कॉपी किया है तो उसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी किया है, तो आप लोग भी ये करें, इधर पेस्ट कर देना, जो पहले से होगा उसको आप लोगों ने डिलीट नहीं करना है बल्कि पेस्ट कर। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रॉब्लम है वो हल हो गया है, और ये रहा हमारा प्रॉब्लम हल हो गया है।